भैंस का है, ये क्या है, ये कपड़ा कहाँ से आ गया, ये कपड़ा कहाँ से आया, ऐसे कौन कोई भी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। गाइज, आज करने वाला बहुत ही तगड़ा प्रैंक वंदना जी के ऊपर। ये देख सकते हैं बैग में कुछ सामान लाया हूँ, आज उसके ऊपर ही प्रैंक है गाइज। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा गाइज, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला आपको नोटिफिकेशन मिल सके गाइज। तो गाइस, जो आज है ना धमाकेदार होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि वंदना जी थी दीदी वाले रूम में, तो वंदना जी के मैंने बोला कि चलो ऊपर आ जाओ, तो मैंने उसको बोल के आया, मैं ऑफिस से आया हूँ अभी, तो मैं बोला जल्दी आ जाओ फटाफट रूम में, तो उसको बुलाया हूँ, देखता हूँ कब तक आता है। तो आज देखते हैं उसका रिएक्शन, आज तो बहुत ज्यादा ऐसा मार खाने वाला हूँ, ऐसा कांड में किया हूँ मैंने गाइस, ऐसा कांड किया हूँ आज, बहुत ज्यादा मेरा पिटाई और धुलाई होने वाला गाइस। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर में, और फुल मजा कीजिए आप लोग, वीडियो के एंड में मिलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो क्या आज धमाकेदार होने वाला। हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां फॉलो कर लीजिए, प्यारा सा कॉमेडी सा रील्स बनाते हैं। चलिए वीडियो के एंड में मिलते हैं, आज तो बहुत ज्यादा पिटाई होने वाला, चलिए। A few moments later. तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने ऊपर कैमरा सेटल कर दिए है और यहाँ पे बैग देख सकते हैं, मैंने ये बैग को यहाँ पे रख दिया, देखते कब तक आती है। अरे आए कि नहीं आई अभी, बोलो बोलो, खोल दिया। अरे बंद हो गया था, अब चालू हो गया। अरे ऑफिस से आया तुम, तो मतलब ये नहीं कि वहां बैठी हुई है रूम में, वहाँ भाषण दे रही है, मतलब सबके बीच क्या में भाषण दे रही है, आ रही थी ना, मतलब क्या आ रही थी, गजब बेइज्जती है। ये नहीं ऑफिस से आएगा, पानी दूं, कुछ चाय पानी दूं, तुम तो वहाँ से सबके बीच में, मतलब जो बहसबाजी होता है लेडीज लोग के बीच में बैठ के वही करना हो आता है, गर्म हो जाते हैं। क्या गर्म होते हैं, कितना टाइम हुआ, 10:30 हो रहा था, कब का आया हुआ मैं, तुम वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वहाँ क्या आप कर रही है बैठ के भाषण बात कर रही है, इसको रन दे, बैग निकालो, इसमें बैग में कपड़ा मेरा धो दो, दो। अच्छा कपड़ा है, हाँ ये फंस गया सी है, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये क्या है भाई, ये मेरे बैग में कहां से आया, और कुछ है, हाँ किसका तो निकले जा रहा है, कुछ ना कुछ निकले जा रहा है, लिपस्टिक, ये लिपस्टिक और ये किसका है, पहले ये बताओ, छोड़ो कपड़ा किसका है, ये किसका है भाई, मुझे क्या पता ये किसका है भाई, मेरे बैग में कहाँ से आया, झूठ बोल रहा है, मैं था मेरी बैग में था, ऐसा कैसे आप बोल सकते हो, अरे तुम ये बोलने का मतलब क्या है, ये किसका है बता दो मुझे, ये तो मैं ऑफिस में गए बैग रखा हुआ था, किसी ने तो डाल तो नहीं दिया, क्या आ गया, किसी ने तो डाल तो नहीं दिया यार, कैसे डाल देगा, ये देखो किसका है बताओ मुझे, अरे मुझे नहीं पता किसका है यार, ये मुझे नहीं पता, किसका कचरा उठा लाया घर में, किसका कचरा उठा लाया घर में, बैग में कपड़ा भर के लेके आए, कहाँ गए थे फिर से, जो गए थे आप 9:30 बजे कहाँ गए थे, अरे तो ऑफिस में ही था मैं, ऑफिस में थे, ये कपड़ा कहाँ से आ गया, ऑफिस में वो तो तभी बोला था ना मैंने कि मीटिंग में हूँ अर्जेंट, अभी मेरे को 9:30 बजे 10 बजे तक मीटिंग में हूँ, फिर आप मीटिंग में गए थे तो वहां से कपड़े कहाँ से आ गए, ये कपड़े कहाँ से आ गए, वही पूछ रही, तू मार की रही मेरे को, हाथ रहा ज्यादा चल रहा है आजकल, कहाँ से ये कपड़ा कहाँ से आया, किसका भर के लेके आ गए, कहाँ गए थे, अरे मैं किसका भर के लेके आया, ये किस क्या है, लेगी है, पता नहीं ये क्या लेगी, ये लेगी लेगी क्या, ये पता नहीं किसने, अभी हट हट, किसका भर के लेके आओ, कहाँ गए, इसको रख मैं ऑफिस में, ऑफिस में पता करना पड़ेगा, ऑफिस में कोई तो ना डाल तो नहीं दिया, फेंकना मत इसको, कौन डाल देगा अपना कपड़ा, बड़ा होशियार बन रहे हो, अपना कपड़ा कौन डाल देगा, कौन डालेगा, क्यों डालेगा, गजब बेइज्जती है, पहले मुझे सबसे बता दो गए कहाँ थे,
अरे फिर से जो गए थे मीटिंग करने गए थे कि कहाँ गए थे? अरे तो ऑफिस में ही मीटिंग था, मेरा ऑफिस में मीटिंग में ही था मैं। अभी ये बैग में किसने डाल दिया मुझे क्या पता यार, कहाँ से आ गया बैग में, क्या पता किसने। मत बोलो, मुझे सच्ची सच्ची बता दो कि कपड़ा कहाँ से आया है, किसका कपड़ा है, अच्छे से बता दो। पहले तो मुझे बता दो गए कहाँ थे आप मीटिंग में, 9:30 बजे जब फोन आया था कहाँ से आया था, मीटिंग में था कि कहीं होटल में गए थे? अरे तुमने फोन किया तो अर्जेंट, तो मैंने बोला ना कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं फोन वो नहीं उठा पाऊंगा। फिर फोन ही नहीं किया ना, बस एक ही बार मैंने फोन किया। मैं इसके वजह से मैं मीटिंग में था, मैं ऑफिस में बैग रखा हुआ था, ये कहाँ से आ गया मुझे क्या पता। तो बैग ऑफिस में था तो कोई डाल के चला गया, किसने डाल दिया मुझे क्या पता, किसने डाल दिया ये क्या क्या है इसमें यार, ड्रेस है और ये प्लाजो है और कोई मोटी ड्रेस का फोन है, वो फोन है, बता दीजिए फोन गया था। वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, मेरे साथ में कोई सोनिया को लेके कहीं और गए थे? अरे नहीं यार, मैं किसी को था कहां, अब मुझे सब कुछ ध्यान आ रहा है साला, कहां गए थे मैं, कहीं मीटिंग में गए थे? तुम तो हर समय डाउट ही करते रहता है, मैं ऑफिस में था, ऑफिस में काम करता हूँ, तुम तो बाहर ही ये सोचते रहता है यही कि बाहर गया होगा किसी का थी साथ में घूमने, ये करने, पता नहीं किसका है, मुझे नहीं पता ये किसका है। तो किसका और कहाँ से आ गया, ये एक उल्टा है एक सीधा है, ये उल्टा सीधा कपड़ा है, उल्टा सीधा भी कपड़ा है, उल्टा सीधा भी कपड़ा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो ज्यादा। किसका है ये ड्रेस, मुझे क्या पता किसका एड्रेस है, मेरे बैग में किसने डाल दिया यार पता नहीं मुझे। नहीं मेरी बैग में था, मैं बताती हूँ किसका है, किसका कपड़ा, किस लिए मुझे नहीं पता है किसका है, किसने डाल दिया मुझे क्या पता। तुम तो मेरे ऊपर हरदम शक करती रहती है, मैं ऑफिस से काम से करूँ, ऑफिस से काम से जाऊँ तो ये बैग कुछ भी बैग में निकलेगा, तो बैग में निकलेगा तो तुम तो पता नहीं, तुम तो सखी कौन, अरे तुम मीटिंग में गया था, मैं ऑफिस से काम से मीटिंग में ही था मैं, तुम दोबारा फोन की इसके वजह से मैं उठा नहीं। ये कपड़ा कहाँ से आया, ये लिपस्टिक कहाँ से आया, तो आप लगाते हो, आप लिपस्टिक लगाते हो, ये लगा सकते हो, बता दो मुझे ये कपड़े आपके है, ये कपड़े आप पहनते हो, इतना घटिया कपड़ा ये आप पहनते हो। अब किसका है मुझे क्या पता, किसने बैग में रखा है नहीं रखा मुझे क्या पता यार। ऐसे कौन कोई भी आके मतलब उधर से आपके बैग में घुसा देगा कि घर पे लड़ाई झगड़ा हो इसीलिए आपके बैग में उसने कपड़े घुसा दिए। तुम तो मेरे ऊपर ही शक करते रहती जब देखो तो यार, तुम तो शक इंसान हो, ऑफिस भी काम पे जाओ तो ये कर लिया तुम, उल्टा उल्टा चोर कुतवाल को डांटे ऐसा आप कर रहे हो, आप मुझे ही बोल रहे हो कि सक्की में क्यों ना सब करूं भाई, किसका कपड़ा भर के लेके आए हो, मैं अगर कहीं जाती मेरे बैग में रहता जेंस का कपड़ा तो क्या बोलते कि मैं जेंस का कपड़ा, मैंने क्या भर, तो मैं खुद ले, मैं भर लिया क्या बैग में किसी का कपड़े, मैं किसी का भर लिया क्या, बोले किसी का भर ही लिए हो, छूट गया होगा गलती से फिर उसमें कपड़े आप बैग में, मुझे नहीं पता ये मोटी कपड़ा मुझे नहीं पता, बता दो मेरे को कहाँ कांड करके आए हो। मैं कहाँ ही नहीं कांड करने गया था, मैं ऑफिस से काम से गया था, मैं कहीं कांड नहीं करने, काम से गए थे ये कपड़ा कहाँ से आ गया ऑफिस से, मैं कहीं कांड करने नहीं गया था भाई, मैं ऑफिस से काम से ही गया था, तुम तो वही से कोई तो कांड करके आए हो, सच्ची सच्ची बता दो मुझे। अरे तुम फंस गए बोल रहा हो ना, अभी झूठ बोल दू तब तो विश्वास होगा, झूठ ही तो बोल रहे हो इतना देर से, सच्ची सच्ची बता दो मैं किस लिए मुझे परेशान कर रहे हो। ये भगवान क्यों परेशान, फालतू का मुझे कहाँ किस लिए परेशान कर रहे हो तुम, मैंने भाई मैंने पता ना मुझे किसने, तो कहाँ से आया, आपके बैग में आया, आप ऑफिस गए थे और एक मेन बात आपका, फिर से आपको मेन ने बुलाया, आपको फिर से उसने मतलब तो ऑफिस में गया था ना और वहाँ पे मीटिंग हुआ आपका, कौन सा मीटिंग करने गए तो थे? मीटिंग था जो पर्सनल, कौन सा मीटिंग था, तो मीटिंग में गया था मैं। हाँ तो कौन सा मीटिंग था इतना 9 बजे, इसको फेंकना मत, एक काम करना मेरे फेंकना मत इसको, किसी का ऑफिस का होगा मेरे ख्याल से, फेंकना नहीं इसको, फेंकना नहीं इसको, इसको ऑफिस में जाके देंगे, किसी का होगा लग रहा है मेरे ख्याल से, गलती से डाल दिया होगा बैग में किसी ने गलती से निकाल के डाल दिया होगा मेरे को लग रहा,
लग नहीं रहा है, आप लेके आए हो ये किसी का कपड़ा है, और इधर मेरी बेड पे रखने का जरूरत नहीं है, मेरी बेड पे मत रखो। अरे फेंको मत उसको, गंदा कपड़ा, उसमें क्या लगा हुआ क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, और आपकी जैसे हरकतें हैं ना, देखिए आपकी हरकतें हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, ज्यादा चल रहा, किसका भर के लाया, हाथ ज्यादा चल रहा था आजकल, हाथ ज्यादा चल रहा था, मैं भी मार दूंगा खींच के थापड़ तुम्हें, मारना है बहुत ज्यादा, हाथ चल रहा तुम्हारा, हाथ नहीं चल रहा तेरा, मेरा गुस्सा नहीं देखिए तुम तो ऑफिस से आया तो तुम तो गुस्से से एकदम पानी पसीना छोड़ा दिया मेरा, पसीना पसीना गर्मी आ गया तुम्हारे अंदर, पसीना छोड़ा दिया मेरा, गुस्सा होते हो मेरे ऊपर, मैं काम क्या किया, क्या नहीं किया, एक किसका कपड़ा भर के लेके आया अपने, लिपस्टिक भर के लेके आया, क्रीम ठीक है, मैं क्या जानबूझ के भर के लेके आया भाई, तो मैं लगा मैं क्या कांड करने गया था, तुम जो बोल रही हो मेरे ऊपर, तो कांड कांड करता तो बैग में लेके आता था मैं, तो गलती से भाई छूट गया होगा, भर लिए रहोगे, आपको आदत में जानती हूँ कैसे इंसान हो, भगवान पता नहीं ऐसा पता रहता ना मुझे आपके साथ में, तो आती है आपके साथ में, शादी भी नहीं करती, इतना घटिया है, तो आई क्यों मेरे साथ में, तो समझ में नहीं आता, तो क्यों क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रही है, चुप हो जाना, अरे चुप हो जाना, अरे चुप हो जाना, अरे रो क्यों रही, चुप हो जा, अरे चुप हो जाना, क्यों गुस्सा हो रही है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता यार, पता नहीं किसका, मैंने कुछ नहीं किया, अरे कुछ नहीं किया मैंने, छुओ मत मेरे को, कपड़ा छुए हो मेरे को मत छुओ, किसका कपड़ा लेके आया, पहले वो कपड़ा दे क्या कुछ, अरे चुप हो जा, अरे रो मत, इतना गुस्सा नहीं करते यार, अरे चुप हो जा यार, मैं तो तुम्हें सच्ची बताया ना, सच्ची बताया ना, तुम्हें सच्ची बताया ना, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, मेरे को नहीं करती, मेरे को नहीं करना, खड़ा हो जा, झूठ बोलते रहते हैं, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, ये देखो तुम्हारा आएगा, ये देखना ये प्लाजो देखना, तुम्हें आएगा, तुम्हें ही आएगा लग रहा, हाँ मेरे को नहीं पहनना है किसी और का कपड़ा, खड़ा तो रहे यार, ये देख तुम्हारे को आ जाएगा, ये देख तुम्हारे ही नाप का है, तुम्हें ही आ जाएगा, तुम्हें आ जाएगा ये, पर मेरे को नहीं पहनना किसी और का कपड़ा, अरे मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, बोलना भूल गया था, मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, वो पार्सल आया था, आएगा ये बताना, हाँ आएगा तुम्हें, वो पार्सल आया था, हे भगवान, पार्सल लाया था कपड़ा देखे गए, बैग में ऐसे गुड़मुड़िया का भर दिया मैंने इसको, अब प्रेस भी करवाया ऐसे गुड़मुड़िया के, ताकि लगना चाहिए कि पुराना है किसी और का है, ठीक है तो पार्सल में आया तो बताना देना यार, ऐसा क्यों करते हैं, तो बता देते मुझे पार्सल में आया है, मैं सोचा एक फ्रैंक क्यों ने, फ्रैंक क्यों ने किया जा भंद्रा जी के साथ में ऐसा, गाइस देख लो उधर कैमरा, वहां पे देख कैमरा भी लगा रखा था, तो गाइस कैसा लगा भद्रा जी का रिएक्शन देख ले, अब देख ले ये ड्रेस तो तुम्हारे ही लाया था, तो गाइस कैसा लगा भद्रा जी का रिएक्शन देख ले, बहुत ही तगड़ा रहा रिएक्शन भद्रा जी का, हो आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए मिलते हैं ऐसे धमाकेदार फ्रैंक वीडियो में, तो गाइस आप लोग फिर से सपोर्ट और प्यार ऐसे देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, आप लोग कमेंट नहीं करते ना आशीर्वाद करते हो, चलिए मिलते हैं, आप लोग आशीर्वाद दुआ देंगे तो आगे बढ़ सकते हैं गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।